नमस्कार, मैं हूं आपका पंकज और आप देख रहे हैं वाइट डबल पंकज में। तो आज फिर से स्वागत है एक नया वीडियो लेके। तो आज हम बात करने वाले हैं फ्लिपकार्ट के बारे में। तो दोस्तों, आपने फ्लिपकार्ट तो ये जो नाम है ये आपने ज़रूर सुना होगा, या फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम, या फिर आपने किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट जो एप्लीकेशन है उसमें आपने ज़रूर सुना होगा। तो मैं आपको दोस्तों एक बताना चाहता हूँ, फ्लिपकार्ट जो एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन के माध्यम से आपने कभी ना कभी अपना कोई भी प्रोडक्ट परचेस ज़रूर किया होगा। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, 25 सितंबर का जो डेट था उसमें मैंने एक रॉयल इनफ्लोंटी पर्स मंगाया था, अपने पर्सनल के लिए एक पर्स मंगाया हुआ था। तो मेरा जो डिलीवरी डेट था वो 6 अक्टूबर का था, 6 अक्टूबर। तो आज अचानक मुझे एक कॉल आया, बोला कि सर आपका जो प्रोडक्ट है वो आ चुका है, मैं आपको डिलीवरी पहुंचाने के लिए आ रहा हूँ। तो मैंने बोला कि ठीक है आप आ जाइए, ठीक है, मैंने बोला कि ठीक है आप आ जाइए। उन्होंने आया 311 रुपये। देखिए, मैं पहला एक बात बता रहा हूँ आपको, देखिए स्क्रीन पे एक जो फ़ोटो दिखाई दिया होगा, ये देखिए फ़ोटो जो पर्स का, जो फ्लिपकार्ट से मैंने परचेस करने से पहले मैंने फ़ोटो देख के परचेस किया हुआ था। ये देखिए फ़ोटो आपके स्क्रीन में आपको दिखाया होगा यहाँ पे, तो मैं यही फ़ोटो देख के मैंने उस प्रोडक्ट को परचेस किया। लेकिन प्रोडक्ट जो आया एकदम ही घटिया प्रोडक्ट था, एकदम घटिया। दोस्तों, मैं आपको ये प्रोडक्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से हमारे साथ एक स्कैम हुआ है। तो देखिए, मैं आपको प्रोडक्ट यहाँ पे मैं अभी निकाल ले रहा हूँ जी। देखिए, ये प्रोडक्ट अभी मेरे 1 घंटा हुआ है मुझे लाने हुए। ये देखिए, शायद मैंने इसका पैकिंग खोल दिया था देखने के लिए। हाँ, तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए, यही है वो प्रोडक्ट जिसका प्राइस है 311 रुपये। मैं इसको खोल के आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ दोस्तों। देखिए देखिए किस तरह से, कितनी घटिया प्रोडक्ट लाया है फ्लिपकार्ट वाले, कितनी, मतलब हम तो यहाँ पे चूतिया बैठे हैं आप लोगों को पैसा दे के, और हम लोग तो यहाँ पे फोकट में, तो पैसा क्या हराम का आता है। हाँ, देखिए किस तरह से, कितनी घटिया। और हाँ, ये देखिए ना, इस तरह से कोई लोगो बना हुआ है, ना नाम का कोई प्रिंट है, और ना ही इस तरह से। और देखिए, जो मैंने परचेस किया, जो देख के मैंने परचेस किया है, वो देखिए फ़ोटो में आपको ऊपर में दिया हुआ है, वो किस तरह से और किस ढंग का वो फ़ोटो है वो आप देखिए पहले दोस्तों, ठीक है। ये जो प्रोडक्ट है मुझे दिल से बुरा लगा, ये पहली बार नहीं है, कई बार मेरे साथ इस तरह से हो चुका है। तो मैंने 1-2 बार इग्नोर करने की कोशिश की, मैंने 1-3 बार इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन ये फ्लिपकार्ट वाले बार बार एक ही गलती दोहरा रहे हैं। अब बताइए, अब आप ही लोग दोस्तों बताइए कि आप लोगों के साथ इस तरह से कभी भी हुआ है? अगर हुआ है तो किस तरह से हुआ है, आप हमें बताइए कमेंट में, ठीक है दोस्तों। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी जो हमारे फ्रेंड हैं या फिर कोई भी हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, अगर किसी को भी ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में ज़्यादा नॉलेज अगर नहीं है, तो कृपया करके वो ऑनलाइन शॉपिंग ना करें। नहीं, कई सारे सब्सक्राइबर जो हैं हमारे दोस्त हैं, उसे अगर प्रोडक्ट परचेस करना आना चाहिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, वो प्रोडक्ट को रिटर्न कैसे करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, मैं अभी आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ यहाँ पे, मैंने प्रोडक्ट का जो मेरा अभी जो ये पर्स आया है इसका मैं रिटर्निंग 1 घंटे के बाद होती है, वो रिटर्निंग डिलीवरी मैं लगा दिया हूँ। कल का डेट है, कल ये प्रोडक्ट लेके चला जाएगा, मुझे कैश दे देगा। तो दोस्तों, इस तरह से जो स्कैमिंग होती है, आप इससे सावधान रहें और सतर्क रहें। जिसने भी मेरे ये वीडियो देख लिया है वो कृपया लाइक करें, और बगल वाला जो बटन है सब्सक्राइब का रेड कलर का, उसको भी दबा दें। उसके बगल में जो घंटी का निशान है, घंटी पे क्लिक करने के बाद ऑल सेलेक्ट कर लें। तो इसी के साथ मेरा ये जो वीडियो है ये अभी मेरा ख़त्म होता है। जय हिंद, जय भारत।